हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक एन एलियन हैंड। आज हम एन एलियन हैंड बुक का सेकंड चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप करी। करी यहाँ पे एक छोटा सा एलिफेंट है और ब्रिंगिंग अप का मीनिंग होता है उसका पालन पोषण करना, उसकी देखभाल करना। तो किस तरीके से बच्चे ने करी की देखभाल की, उसको बड़ा किया, ये स्टोरी उसी पर बेस्ड है। करी एक 5 मंथ का ओल्ड बेबी एलिफेंट है जो कि 9 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड के साथ रहता है। यहाँ पे जो राइटर है वो 9 ईयर ओल्ड है और जो बेबी एलिफेंट है करी वो 5 मंथ ओल्ड है। करी ज्यादा नहीं खाता है। यहाँ पे राइटर फनी वे में कह रहे हैं कि वो 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स ही खाता है एक दिन में। और प्लेफुल और सेंसिटिव है। करी ने एक बॉय की लाइफ भी बचाई डूबने से। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। करी जो एलिफेंट था वो 5 मंथ ओल्ड था जब उसको दे दिया गया था राइटर को उसकी देखभाल करने के लिए। और जो राइटर है वो यहाँ पे वो भी 9 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है। और राइटर 9 ईयर्स के थे और करी 5 मंथ्स का था, तो भी राइटर अपने पंजों के बल पे खड़े होने के बावजूद भी उसकी पीठ तक ही पहुँच पाते थे। यानी करी की हाइट ज़्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि वो 2 ईयर्स तक इतने ही हाइट का रहेगा। दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे इसलिए ये अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि करी कितना लंबा है। करी एक पेविलियन में रहता था। उसके जो रूफ थी वो थैचेड रूफ थी, घास फूस की बनी हुई रूफ थी और वो बहुत ही मोटे ट्री स्टम्स, थिक ट्री स्टम्स पे बेस्ड थी। यानी जो पेविलियन था वो बहुत ही मजबूत खंभों पे खड़ा हुआ था और वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया था ताकि जब करी उसके पोल्स के टकराए तो वो गिरे नहीं और इजीली करी इधर उधर घूम सके। सबसे पहली चीज जो करी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि करी ने एक डूबते हुए बच्चे की जान बचाई थी। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि करी बहुत ज्यादा नहीं खाता था, लेकिन कितना खाता था वो 40 pounds ऑफ ट्विग्स, यानी हरी भरी टहनियां छोटी छोटी सी 40 pounds तक वो ब्रांचेस और ट्विग्स खा जाता था। कुछ तो वो चबाता था, कुछ के साथ वो खेलता था। हर दिन राइटर उसको रिवर पे ले जाते थे सुबह बाथिंग के लिए और वो रेत पे लेट जाता था सैंड बैंक पे और राइटर उसकी पीठ को रगड़ते थे सैंड के साथ आधे घंटे तक और वो भी बहुत देर तक पानी में लेटा रहता था। और जब वो पानी से बाहर आता था तो उसकी जो स्किन थी वो एबने की तरह शाइनिंग करती थी, बहुत ही अच्छी शाइनिंग करती थी। और वो भी बहुत खुशी से आवाज़ निकालता था, स्क्वील करता था, अपनी चिंगारने की आवाज़ निकालता था क्योंकि वह नहाने के बाद बहुत खुश हो जाता था। उसको जब रगड़ा जाता था सैंड से तब वो बहुत एंजॉय करता था। राइटर उसको कान पकड़ के उसको बाहर ले जाते थे। वो कह रहे हैं कि सबसे इजी तरीका एलिफेंट को चलाने का वही है कि उसकी ईयर्स को पकड़ लिया जाए और उसको ईयर्स से पकड़ के आप आगे ले जा सकते हैं। तो राइटर यहाँ पे उसको जंगल के किनारे छोड़ देते थे और कूद जाते थे फॉरेस्ट में कुछ लशियस ट्विग्स ढूंढने के लिए उसके डिनर के लिए। टेस्टी सॉफ्ट डेलिकेट सी ब्रांचेस चाहिए होती थी उसको और उसके लिए उनको अपनी हैचेट को, अपनी एक्स को, कुल्हाड़ी को शार्प करना पड़ता था इस तरीके के ट्विग्स ढूंढने के लिए, काटने के लिए। तो आधा घंटा तो उनको अपनी हैचेट को, कुल्हाड़ी को शार्प करने में ही लग जाता था क्योंकि जो एलिफेंट था उसको बहुत ही स्मूथ और टेस्टी और डिलीशियस ट्विग्स चाहिए थी। अगर ट्विग थोड़ी सी भी मल्टीलेटेड या थोड़ी मोड़ी सी होती थी तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता था। राइटर कह रहे हैं कि कोई आसान काम नहीं था इस तरीके की ट्विग को ढूंढना, सैपलिंग्स को ढूंढना करी के लिए क्योंकि हर तरह के ट्रीज पे चढ़ना पड़ता था और बहुत ज़्यादा डेलिकेट सॉफ्ट और डिलीशियस टेस्टी ट्विग्स जो होती थी, सॉफ्ट ट्विग्स होती थी, वो ढूंढना पड़ता था क्योंकि जो करी था वो यंग ब्रांचेस का शौकीन था जो कि बेनिन ट्री की यंग ब्रांचेस जो कि कैथेड्रल ऑफ लीव्स की तरह लगती थी। तो अब उसको जरा सा भी मतलब टॉर्न ब्रांचेस पसंद नहीं थी, मुड़ी हुई ब्रांचेस पसंद नहीं थी, उसको टेस्टी स्वीट स्मेलिंग और सॉफ्ट स्मूथ ब्रांचेस पसंद थी। एक दिन की बात है जब राइटर मार्च के स्प्रिंग डे में इस तरीके की ब्रांचेस को कलेक्ट कर रहे थे, कट कर रहे थे, तो अचानक उनको करी की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था करी दूर से उनको बुला रहा है क्योंकि करी अभी भी बहुत छोटा था तो ऐसा लगता था कि वो एक बच्चे की आवाज़ है। करी की आवाज़ एक बच्चे की तरह लगती थी, एक एलिफेंट की तरह नहीं लगती थी। तो राइटर ने सोचा कि हो सकता है कि कोई एलिफेंट को हर्ट कर रहा है। वो जल्दी से ट्री से उतरते हैं और भागते हुए फॉरेस्ट के एज तक, फॉरेस्ट के किनारे तक जाते हैं जहाँ पर उन्होंने करी को छोड़ा था, लेकिन करी तो वहाँ पर नहीं था। चारों तरफ घूमने के बाद भी करी उनको नहीं मिलता है।
अब वह वाटर के किनारे की तरफ जाते हैं तो उन्होंने देखा कि ब्लैक कलर का कुछ सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे स्ट्रगल कर रहा है। धीरे धीरे वह हाई होता गया और उन्होंने देखा यह तो एलिफेंट की ट्रंक थी। राइटर ने सोचा कि करी डूब रहा है, लेकिन वो यहाँ पे हेल्पलेस थे क्योंकि वो तो बहुत छोटे थे और करी तो बहुत ही हैवी था। वो जंप करके वाटर में करी को नहीं बचा सकते थे क्योंकि करी 400 पाउंड्स का था और बहुत ज्यादा ऊंचा भी था राइटर से, तो वो यहाँ पे हेल्पलेस हो गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वाटर से ऊपर कुछ ब्लैक कलर का आ रहा है और बाद में उन्होंने देखा कि वो तो करी का ही बैग था, यानी करी डूब नहीं रहा था। और करी ने जब राइटर को देखा तो उसने ट्रम्पेट भी किया, यानी आवाज भी निकाली और वो स्ट्रगल कर रहा था किनारे तक आने के लिए। करी ने वाटर में राइटर को भी खींचा और जैसे ही राइटर पानी में आया उसने देखा कि एक बॉय जो था वो रिवर के बॉटम में लेटा हुआ था, फ्लैट लेटा हुआ था और वो बॉटम में बिल्कुल टच तो नहीं कर रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा बॉटम से ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। राइटर जैसे ही सरफेस के बाहर आए उन्होंने कुछ ब्रीथिंग किया क्योंकि पानी में वो सांस नहीं ले पा रहे थे और उन्होंने देखा कि करी तो वहां खड़ा हुआ है और करी के जो पांव थे वो सैंड में धंसे हुए थे किनारे पर और जो ट्रंक थी करी ने वो की आगे उसने बढ़ा रखी थी हैंड की तरह राइटर को देने के लिए, राइटर की हेल्प करने के लिए। राइटर ने वापस पानी में डाइव लगाया और जो बॉडी थी उस बॉय की उसको खींचा क्योंकि वो बॉय जो था वो डूब रहा था और वो उसको सरफेस की तरफ खींच के लाए। लेकिन राइटर भी बहुत अच्छे स्विमर नहीं थे और वो स्विम नहीं कर पा रहे थे और जो पानी का बहाव था, जो करंट था स्लो करंट, तो ऐसा लग रहा था कि वो पानी की तरफ खींचते जा रहे हैं, पानी में उसको उनको ड्रैग कर रहा है वो करंट। जैसे ही करी ने देखा कि उसका जो मास्टर है वो पानी में बह रहे हैं तो वो जल्दी से फुर्तीला हुआ। पहले तो वो क्या था, थोड़ा स्लो पॉन्डरस था, वो बहुत थोड़ा लेजी टाइप था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अपना मास्टर पानी में जा रहा है तो उसने बहुत ही एनर्जेटिक वे में एक हॉक की तरह, बास की तरह वो जल्दी से आया और उसने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच की ताकि अपने मास्टर की जान बचा सके। मास्टर ने अपने हैंड को ऊपर किया और ट्रंक को बार बार पकड़ा लेकिन वो बार बार स्लिप हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो पानी के अंदर जा रहे हैं। यू कैन सी कि बॉय और करी उस डूबते हुए बच्चे की हेल्प कर रहे थे। फाइनली मास्टर ने देखा कि जो पानी था वो बहुत ज्यादा डीप नहीं था, बहुत ज्यादा गहरा नहीं था और वो जो बॉटम तो रिवर है वहां पे सैंक कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पांव से अंदर फोर्स किया और किक किया पानी को और इस तरीके से वो एक एरो की तरह, तीर की तरह ऊपर की तरफ आ गए क्योंकि पानी का फोर्स ऊपर की तरफ भेजता है। लेकिन साथ में उन्होंने किसको पकड़ रखा था, ड्राउनिंग बॉय को, एक लड़का जो डूब रहा था उसको भी अपने हाथ से पकड़ रहा था। तो जैसे ही जो मास्टर था, वो जो राइटर था, उसकी बॉडी पानी से ऊपर आई, उनको लगा कि उनके गले में कुछ रस्सी जैसा है, वो बहुत डर गए, उनको लगा कि कोई वाटर एनिमल है जो कि अब मुझे खाने वाला है, स्वेलो करने वाला है। लेकिन फिर उनको करी के स्कूलिंग की आवाज आई, करी की आवाज आई और उन्होंने देखा ये तो करी का ट्रंक था जो कि नेक के चारों तरफ लिपटा हुआ था, यानी करी उनको बचाना चाहता था और करी ने अपनी ट्रंक को उनके गले में डाल दिया था। तो इस तरीके से दोनों को करी ने फिर किनारे तक खींच लिया। तो करी चाहता था अपने मास्टर से कि वो एक बॉय की हेल्प करे, तो करी ने वाटर में उनको पुश किया, बाद में दोनों की हेल्प की। करी एक बच्चे की तरह था, जिस तरीके से एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है कि मैनर्स सिखाए जाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो भी करी को भी इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर आप उसको नहीं सिखाओगे कि वो नॉटी है या उसको पनिशमेंट नहीं दोगे तो वो और शैतान होता जाएगा और मिस्चीवियस होता जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक दिन किसी ने करी को बनाना खाने को दिए, केले खाने को दिए और उसके बाद तो उसको केले बहुत पसंद आ गए, उसने एक डेवलप कर लिया ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। आगे वो बताते हैं कि उनका जो डाइनिंग रूम था उसकी जो विंडो थी उसके पास ही टेबल थी और उस टेबल की प्लेट पे फ्रूट्स रखा करते थे। एक दिन सारे बनानास उस टेबल पे से गायब हो गए और फैमिली ने ब्लेम किस पे किया, सर्वेंट पे, कि सारे फ्रूट सर्वेंट खा गए जो भी घर की टेबल पे रखे हुए थे। कुछ दिन बाद फ्रूट फिर से डिसअपीयर हो गए, इस टाइम ब्लेम किसके ऊपर आया, राइटर पे, यानी जो करी का मास्टर था, वो जो चाइल्ड था, अब उस पर ब्लेम आ गया कि उसने सारे बनानास खाए जबकि वो जानता था कि उसने ऐसा नहीं किया है।
तो उसको बहुत गुस्सा आया अपने पेरेंट्स पे और सर्वेंट्स पे, क्योंकि उसको श्योरिटी थी कि वो जो फ्रूट्स थे सारे सर्वेंट में ही चुराए होंगे। नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट डिसअपीयर्ड हुए तो राइटर ने देखा कि बनाना कुछ करी के पेविलियन में भी मिले, करी के पेविलियन में भी कुछ स्मैश बनाना, कुछ कुछ ले हुए बनानास पाए गए। उससे वो बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि करी के पेविलियन में कभी बनाना दिखा हो, क्योंकि वो तो हमेशा ट्विक्स खाता था। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब राइटर वहाँ पे डाइनिंग रूम की टेबल पे बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा कि कुछ फ्रूट्स वो टेबल से ले लें बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के। तो यू कैन सी कि ये यहाँ पर चाइल्ड बैठा है, विंडो के पास टेबल रखी है जिसपे फ्रूट्स रखे हुए हैं और वो यहाँ पर लेने की सोच रहा है। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक लॉन्ग ब्लेड चीज जो कि स्नेक जैसी लग रही थी वो विंडो के थ्रू आई और सारे बनाना लेके गायब हो गई। अब यहाँ पे राइटर बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि स्नेक भी बनाना खाते हैं, और उनको बहुत ज्यादा डर लगा कि कोई टेरिबल स्नेक लग रहा है, इसीलिए वो अंदर आके फ्रूट ले गया और वो जल्दी से रूम से बाहर निकले डर की वजह से। और उनके हार्ट में क्या डर था कि उनको लग रहा था जो स्नेक है वो फिर से घर में आएगा और सारे फ्रूट्स के साथ साथ हम सबको भी खा जाएगा। जैसे वो बाहर निकले उनको करी की बैक दिखी, करी की पीठ दिखी गायब होती हुई उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पेविलियन था, मतलब करी पेविलियन की डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आया। और जो राइटर थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे तो उन्होंने सोचा मैं करी के पास ही चलता हूँ, वो ही मुझे थोड़ा सा मेरा डर कम करेगा, मुझे चीयर करेगा। वो जल्दी से भागे और करी के पेविलियन में गए। उन्होंने देखा कि करी क्या कर रहा है, करी तो बनानास खा रहा है, केले खा रहा है। वो तो सरप्राइज रह गए, वो बहुत ही एस्टोनिशमेंट में थे। उन्होंने देखा कि सारे बनानास जो थे वो उसके चारों तरफ बिखरे पड़े और वो अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करके इधर उधर से जो भी बनानास पड़े दूर दूर उसको उठा रहा है और खा रहा है। इस एग्जाम्पल से उनको समझ में आ गया कि जो ट्रंक है ये ही क्या थी, ब्लैक स्नेक की तरह नजर आ रही थी। और अब वो समझ गए कि चोर कौन था, करी। करी ही वो थीप था जिसने सारे बनानास चुराए, इतने दिन से वो ये कर रहा था और बहुत दिन से वो बनानास चुरा रहा था जो कि डाइनिंग रूम की टेबल पे विंडो के पास रखे हुए थे। राइटर करी के पास गए, उसका कान खींचा और बड़ी खुशी से उसने अपने पेरेंट्स को दिखाया कि ये वो नहीं थे जिन्होंने जो बनानास चुरा रहे थे, तो करी था जिसने इतने वीक से फ्रूट चुराए। फिर करी को उन्होंने बहुत डांटा भी, और एलिफेंट्स जो होते हैं वो भी समझते हैं, उनको भी वर्ड्स अगर समझाया जाए तो वो भी समझते हैं बच्चों की तरह। और करी को उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने फ्रूट चुराए तो तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। क्योंकि सब लोग गुस्से में थे, सर्वेंट भी गुस्से में थे, और ये बात करी समझ गया था। तो करी भी समझदार था और करी को ये लगा, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी हर्ट हुआ और करी को इतना फील हुआ कि उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई चीज नहीं चुराई। उसके बाद कोई भी अगर उसको फ्रूट देता था बहुत खुशी से उसको आवाज निकाल के ऐसा लगता था थैंक यू कह रहा है। तो एलिफेंट को भी अगर पनिशमेंट दिया जाए कुछ रॉन्ग करने का तो वो समझ जाते हैं, लेकिन अगर आप बिना बात के उनको पनिशमेंट देते हैं बिना किसी रीजन के तो वो हमेशा उसको याद रखते हैं और उसका बदला लेते हैं, फिर उनको पनिशमेंट देना उनको भारी पड़ सकता है। एलिफेंट को भी सिखाया जाता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है, कब स्लो चलना है। और ये हम जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उसी तरीके से एलिफेंट को भी ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स दे रखे हैं। पहला कमांड है धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, धत बोल के उसको ईयर से पकड़ के खींचना है, कान पकड़ के खींचना है। तो उस ये उसकी कमांड है सिट डाउन, उसको बैठाने की, तो वो इस तरीके से बैठना सीख जाता है। सिमिलरली माली कमांड बोल के उसको पुलिस ट्रंक फॉरवर्ड, उसकी ट्रंक को आगे की तरफ खींचा जाता है, तो वो चलना सीख जाता है, इट इज सिग्नल टू वॉक। तो यहाँ पे दो कमांड दिए, धत और उसकी ईयर को खींचना है तो वो बैठना सीख जाता है, और माली बोल के उसकी ट्रंक को फॉरवर्ड खींचना है तो वो चलना सीखता है। माली कमांड तो वो बहुत जल्दी सीख गया, वो 3 lessons में सीख गया, लेकिन धत कमांड सीखने में उसको 3 weeks लग गए, क्योंकि सिट डाउन होना उसको पसंद नहीं था, उसको बैठना इतना अच्छा नहीं लगता एलिफेंट्स को। और लेकिन आपको पता है कि हम एलिफेंट को सिट डाउन करना क्यों सिखाते हैं, क्योंकि वो तो इतना लंबा लंबा होता जाता है, फिर उसका कौन ध्यान रखेगा, उसको कैसे बिठाया जाएगा। जब वो 2 or 3 years का हो जाता है तो उसकी बैक पे जाने के लिए लेडर की जरूरत पड़ती है, सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, तो फिर उसे बेटर है कि सिट डाउन करना सिखाई दिया जाए धत बोल के, नहीं तो फिर कौन चढ़ेगा उसके बैक पे अगर आपको उस पर क्लाइंबिंग करनी है। तो सब
लेडर लेके सीढ़ियां लेके तो नहीं उसके चारों तरफ घूम सकते जब भी आपको क्लाइंब करना है उसके बैक पे, तो आप लेडर लेडर लेके करें। इसके लिए बेटर है कि धत खोल के उसको बिठा दें और उसके बाद उसकी क्लाइंबिंग करें। सबसे डिफिकल्ट थिंग जो उसको सिखाना होता है वो होता है मास्टर कॉल। मास्टर कॉल को सिखाने में 5 ईयर्स लग जाते हैं। मास्टर कॉल एक स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड है, जैसे कि स्नेक और टाइगर आपस में लड़ाई करते हैं तो उस टाइप की आवाज आती है। हमें ये कॉल सिखाने के लिए उसके कान में बोलना पड़ता है। अगर हम एलिफेंट को मास्टर कॉल देते हैं तो वो क्या करता है, जब भी आप कभी प्रॉब्लम में कभी जंगल में खो जाते हैं और बाहर का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आता है, सिर्फ ऊपर स्टार्स ही नजर आते हैं और आप वहाँ पे बहुत देर तक रुक भी नहीं सकते हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या करना होता है, आपको मास्टर कॉल देनी होती है। और जैसे ही आप मास्टर कॉल देते हैं तो एलिफेंट जितने भी ट्रीज होते हैं सामने वो सब उखाड़ने लग जाता है, जिससे सारे एनिमल्स डर के भागने लग जाते हैं। जितने भी ट्रीज आते हैं रास्ते में वो सब वो हटा देता है। मंकीज भी अपनी स्लिप से उठ जाते हैं, भागने लग जाते हैं ब्रांच से ब्रांच। तो यू कैन सी के मास्टर कॉल देने के बाद सारे एनिमल्स डर जाते हैं, भागने लग जाते हैं और आप उनको मूनलाइट में भागते हुए देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि स्टेक भी भाग रहे हैं सब डायरेक्शंस में, टाइगर भी ग्रोलिंग करता हुआ इधर उधर भागने लग जाता है और इतना ज्यादा डर जाता है। तो एलिफेंट सारे जो ट्रीज होते हैं सामने के वो सब हटाता 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 वो आपके घर से लेके जहाँ जंगल में आप खोए वहां तक का एक रास्ता बना देता है और बहुत इजीली आप अपने घर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर कॉल एक हेल्प के लिए बुलाने की कॉल होती है, जिससे आप एलिफेंट आपकी हेल्प करने आ जाता है। तो आई होप कि आपको एलिफेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।